कंचन दी बैक होम वापिस। क्या खाना बताओ? सैंडविच बड़े बनते भाई वहाँ पे, हमारे लिए तो सैंडविच नहीं बनाया जाता यहाँ पे। कल मॉर्निंग में सैंडविच हो जाए फिर हमारे लिए। बीटरूट मेरे को डॉली पिक करने के लिए आई थी, आते ही ऊपर अपना काम पे लग गई है। अरे यार वो छोड़ के इतना काम आता। रसोई में पोछे की जगह पानी गिरा के तुम धो देते हो ऐसे? हाँ फिर वो गंदी नहीं रहती ना। अच्छा कई बार पोछा भी लगाते हैं फिर धो देती हूं, क्योंकि यहां आके आई वाली बालकनी में धो जाती है आपके साथ ही। हां तो सही रहता है क्योंकि ये बालकनी गंदी हो जाती है वाली। ओके इसलिए मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है। उबले हुए दाल निकाली, मुझे भूख लगी है। मुझे क्या कहते हैं मैगी बना के खिला दे यार, मैगी नहीं खाई मैंने इतने टाइम से है। बना? हाँ मैगी बना के खिला दे बस। क्या वो क्या सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मैं मैगी बना देती तुझे। और ज्यादा खानी नहीं, मैं सोच रही थी ज्यादा खानी है कम खानी है, पैकेट से हिसाब से बनाऊंगी ना। नहीं नहीं एक ही पैकेट बना ले बस छोटा सा। हाँ सूखी सूखी से बनाई हूँ, गीली गीली नहीं। पैकेट फिर मैं क्या खाऊंगी? मुझे लगा मेरे लिए तूने बोला ही नहीं कि तुझे भी खानी है, तुम्हें भी खानी है तो अपने लिए भी बना ले फिर। ये वाला ही बना देती हूँ सारा है। हाँ ये तो ज्यादा नहीं हो जाए, तीन पैकेट बना देती हूँ। हाँ ठीक है थोड़ी सी खाऊंगी, ज्यादा मतलब मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। मटर वगैरह है? नहीं मटर नहीं है। ऑरेंज वाली गाजर है और कैप्सिकम? नहीं गाजर थोड़ी ना मैगी में अच्छी लगी। मैंने एक दिन डाल दी। ये क्या भुनने में मखाने हैं क्या? ये वाले तो सिर्फ मैंने वो क्या कहते हैं खा लूं डब्बे में डाले, ये अच्छे नहीं होगी, मैंने डब्बे में रखे हो गए। क्या हो गया खराब हो गए? नहीं ये करा रहे ना वो बिना ढके रख देते तो सिल जाते हैं ना सारे, तो एक बार फिर से फ्रिज उसको गैस पे सेट दूंगी ना फिर डब्बे में डाल के बंद कर दूंगी। अच्छा ये वाले भुने हुए हैं, ये खा ले। हाँ इसको बंद करके रखा करो ना डब्बे में, नहीं तो ये सिल जाएंगे ऐसे। ध्यान नहीं रहा ना तब काम में चल दिया। और दाल कौन सी है? हरी गोल? मम्मी को उबला वही खाना खिला रहे हो? अभी तो उबली हुई दे दी। हाँ जब तक ये हो जाए ना एक बार सर्जरी, फिर उसके बाद ही थोड़ा, वैसे उसके बाद भी लाइट ही देना होगा, तब तक ये थोड़ा ना सिंपल ही ऐसे ही देते रहना। हाँ अभी तो मैगी खाऊंगी, रोटी सब्जी की भूख नहीं है सिर्फ, क्योंकि मैं खा के आई थी ना सैंडविच मैंने बनाए थे तो वो बहुत हैवी हो गए, तो मेरे लाइट ही खाने का मन है। रोटी सब्जी खाऊंगी ना फिर पेट बराबर हो जाता है। मम्मी को खिला दी, साथ में चाय भी दे दूंगी मुझे थोड़ी। हाँ चाय भी मैगी के साथ चाय हो जाएगी, बहुत दिन से चाय नहीं पी, रात के साथ कॉफी पी रही थी, चाय यहीं पे ही आके पी रही हूँ मैंने। और अभी ना डेयरी प्रोडक्ट ना कम यूज़ किया, और पनीर वनीर जो वो होता है ना पता क्यों? क्योंकि ना मैंने देखा कि ना ये सीजन जो चल रहा है ना उसमें बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा होते हैं। दही ये दही पनीर देखा नहीं बाहर से दही ले रहे थे जो बाहर से ना जो दही वगैरह मंगा रहे थे वो भी ना पूरा की जो होता नहीं है जो पैकेट वाला दही होता है वो ना थोड़ा सा अलग ही टेस्ट का आ रहा था बहुत ही ज्यादा। उस दिन हमने दो बारी खाया, दो बारी मंगाया ठीक है, दोनों बारी सेम ही टेस्ट था। फिर ना मेरे पेट में भी ना गड़बड़ सी होने लगी, मैंने कहा यार ये हुआ तो इसी से, क्योंकि पनीर कुलची भी बनाई थी ना एक बारी तो मुझे लगा उसी से ही ना फिर कुछ हुआ, तो मेरे पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी ना पनीर से ना बनी चीजें ना मतलब दूध से बनी चीजें तो अवॉइड ही कर रहे कि मेरे को भी ज्यादा नहीं खाने, पेट में ना थोड़ा गड़बड़ सा फील हो। कल हम इडली बना रहे थे ठीक है, डोली बना रहे थे पहले सुबह, तो डोली ने 7 बजे सारा बैटर बना के रख दिया था, दही वही डाल के ना मतलब बाद में जब बनाने लगे ना थोड़ी देर बाद इतनी गंदी स्मेल से आ गई, मतलब खट्टा खट्टा दही हो गया था। अच्छा बिल्कुल खट्टा दही सही नहीं आ रहा है अभी, दही आजकल ऐसे हो रहा है मुझे भी सही नहीं लग रहा, तभी इडली खराब हो गई होगी। अभी हमारी इडली अच्छी नहीं थी फिर हमारा मन नहीं किया, शुक्र अभी तड़का नहीं लगाया था। चल कोई ना अभी फिर बना तेरे सामने बना देंगे। अभी ना मैगी का प्लान हो चुका है कैंसिल, मैं मैगी अभी नहीं खा रही हूँ बिकॉज यार फिर मैंने सोचा कि नूडल्स मैंने इतने टाइम से ना खाने छोड़ रखे हैं, तो मैंने सोचा कि यार अभी खाऊँ फिर पेट में वो ना हो जाए, क्योंकि कल भी ना पनीर भुर्जी खा के थोड़ा सा ना अपसेट सा लग रहा था मुझे पेट ना, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैगी नहीं खाते, तो अभी मैं सिंपल से पराठे खाऊंगी, दाल भी बनी हुई है सब्जी भी पड़ी है तो उसी के साथ खा लूंगी, और भिंडी भी है, और कल मैंने भिंडी बनाई थी रात को ना, मैंने भी भिंडी खाई थी तो भिंडी के साथ अभी मैं पराठे खा लूंगी। दाल तो मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का, दाल तो मम्मी की वजह से दाल वगैरह बनाते रहते हैं क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा लाइट ही खाना ना, और दाल थोड़ी सी लाइट हो जाती है इस वजह से खा लेते, वैसे तो खाने अच्छी लगती है, बट अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, तो अभी खाएंगे पराठे और भिंडी, मैगी खाएंगे किसी और दिन। The next day. ओट्स बना के लेकर आई हूँ, हेल्दी हेल्दी चीजें खाओ, तो ये रहा ओट्स आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, कितना बढ़िया लग रहा है। इसने बनाया ओट्स वेज, ओट्स वेजेस डाली है ना ये सारी, या पूरा मसाला वाला आया था जो वो वाला है? नहीं मसाला ओट्स नहीं है, वो क्विकर का व्हाइट वाला ओट्स है प्लेन वाला, उसको मसाले के तरीके से
बनाया मैंने ना, तो इसमें मैंने बीन्स भी डाल दी, गाजर भी डाल दी और प्याज भी डाला, एक टमाटर भी डाला, टमाटर आधा डाला मतलब एक नहीं, मतलब हाफ ऑफ चीज़ डाल दिया और अच्छे बने हैं। अभी चाय भी लेकर आती हूँ साथ में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो यहाँ पे ना मैं इससे लगवाने लगी हूँ अभी ये वाला ऑयल। ये वाला कौन सा ऑयल है? लौंग का तेल है ये ना। लौंग का? हाँ। इससे पेंटिंग होता है ना एक्चुअली। हाँ। ना मैंने ना आपको दिखाती हूँ, मैं ये तेल लगाने लगी हूँ अभी अपने कान पे ना, बिकॉज यार पहले इयररिंग्स पहने हैं यहाँ पे ना, तो मेरे ना कान दर्द हो रहे हैं और रात भर ना मैं इनके चक्कर में ना सो भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने ये मैंने कब से करवा रखी है यहाँ पे, बट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पहना वहाँ था, क्योंकि मैंने इसलिए उतार दिया था ताकि ये ना पेन वगैरह ना हो। तो अभी ये पेन हो रहा है, मैंने सोचा यार पहन लेती हूँ, चलो यहाँ पे नहीं पहना तो कुछ, चलो यहाँ पे जब पहना तो अच्छा लगता है। तो मैंने ना ये दोनों कानों में ना अभी अपना पहन लिए, यहाँ पे भी पहन लिए और यहाँ पे भी पहन लिए, बट ये बालियां जो होती है ना ये ना बड़ी दिक्कत करती है। हाँ, ऐसे करके सो जाओ तो दिक्कत होती है, इधर मैं करके सोई तो मुझे दिक्कत हुई, मुझे पूरी रात ही प्रॉब्लम होती रही, तो यहाँ पे भी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये डिम्पल जो है आराम मिलेगा काफी ज्यादा, ये बोल रही है कि इससे आराम आ जाएगा यहाँ पे, ये ना पेन ना कम होगा, क्योंकि लौंग के तेल कान लगाने से ना कम होता है। जैसे सिलवाया होता अभी अभी तो हम हल्दी का गुड़ा लगा देते हैं। हाँ हाँ, वो तो है, इसको सिलो भी तो काफी साल हो गए, बट पहन के कुछ नहीं रखती ना, तो इस वजह से पेन हो जाता है। तो अब भी तो यार पेन हो रहा है, लेकिन मैं इसको तानना भी नहीं चाहती, मेरे को ये अब मैं पहन ही रखूँ यार, थोड़ा सही लगता है, थोड़ा बस ठीक हो जाए, दर्द नहीं होगा ना, दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द पता है, दर्द भी इसलिए होता है पेन, क्योंकि ना वो जब सो जाते हो ना कान के ऐसे करके मरोड़ के, तो इस वजह से वो पेन हो जाता है। और ये पहन जब इसने पहना है ना इस जोली की बच्ची ने, तो इतना ऐसे करके वो कर दिया था, मैंने तो जबरदस्ती डाल दिया था, चलो भाई डाल देती हूँ कोई ना, ये तो है। ये इधर कोके वाले में इतना पेन नहीं है, तूने इसके ऊपर लगा दिया मेरे, ये तो ये भी छोटा सा नग पड़ रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है इसी के अंदर ही चला जाएगा, है ना, ये ऊपर ये इसके लिए लिया था, ये इस पे आता है और ये वाला नीचे यहाँ पे आता है, तो ये उल्टा पहन लिया, यहाँ पे ये बाली पहन लिया, जबकि बाली इधर पहनना चाहिए था और ये स्टड जो है ये ऊपर पहनना चाहिए था। अब यहाँ पे ये फिर मैंने कहा एक बार ठीक हो जाए, क्या ऐसे ही पहने पड़ेंगे ना, ये बाली थोड़ा नीचे पहना पड़ेगा इस स्टड ऊपर, क्योंकि ना ऊपर यहाँ पे ना जा नहीं रहा था ये ना, क्या कहते हैं तो ये बाली यहाँ नहीं जा रहा था, इसने टेटा कर दिया था इस वजह से। अरे वो जा नहीं रहा था ना, तो मैंने अभी अभी फिर ना चलो अभी ऑयल वगैरह लगाते, फिर देखते हैं कितना आराम मिलता है इससे, क्योंकि अभी तो फिर पेन हो रहा है, नहीं तो फिर मुझे ना ये उतारनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ से भी देखो पियर्सिंग करवा रखा है, मैंने पूरे कान से करा रखा है, और एक बार पहले बंद भी हो गया था ये, उसके बाद फिर मैंने करवा लिया था अपना, तभी तो अभी इसलिए तो दर्द हुआ ना, क्योंकि काफी टाइम बाद। हाँ वही तो चलो आज अभी अपना फिर करते हैं, धोखा देखे नाक में सिलवा लिया था मैंने एक बार, लेकिन वो भी स्टड निकल गया था, उसके बाद नहीं पहना मैंने कभी भी, उसके बाद यहाँ पे भी मेरा तिल हो गया था फिर उसके ऊपर। हाँ, दिख रहा है तिल? जब ये वाला मैं ये वाला कर रही थी ना ऊपर पूरा, तो इसमें ऐसे ही लग रहा है कि आधा तो तिल मतलब हम आधा कोकर डाल रहे हैं, तो वो तो आधा जा रहा है, आधा इस वाली साइड से भी जा रहा है, क्योंकि बीच में नहीं जा रहा। हाँ, बीच से वो बंद हो चुका है, शायद इसलिए नहीं जा रहा। पहले मुझे ये भी लगा था कि बीच में जो मेरी दवाई होती वो अलग, बाहर तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होता है, लगा देते इससे ना अंदर अच्छे से लग जाएगा, ईयरबड से ना। हाँ, इस वाले में तो नहीं होगी, नीचे वाले में तो है ना, हमेशा से इतना शौक होता था कि ऐसे पहन के रखूं, फिर शौक तब खत्म हुआ जब भी पहनते थे तो सारे अपने, कभी कंघी करूं तो कंघी में अड़ जाते थे, ये इस तरह बाली है ठीक है ऐसे लगता था, फिर कान ना चढ़ जाए इसलिए तो मैंने फिर उतार दिया, और कहीं गुम हो जाते थे फिर मन नहीं करता था लेने का। अभी फिर से ट्राई करते हैं, पहन के रखते हैं, देखते हैं कब तक ये टिके रहते हैं, कुछ टाइम अगर पहने रखोगे ना तो दर्द होगी, जैसे इसमें भी अब नहीं होती होगी, ऊपर वाले में तो होती नहीं बिल्कुल, ये तो कितने साल से ऐसे ही है। इसका भी एक साइड का स्टड मेरा गिर गया था, तब से फिर मैंने एक कान में है, तब से एक कान में पहना नहीं हुआ आराम से। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अभी ना आलू की सब्जी, काफी दिन से मतलब आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से खाया नहीं है, और डोली इधर छिल रही है, तो मैं बनाऊंगी अभी सब्जी, मम्मी वाले जीरा आलू नहीं होते जो ऐसे वाले सिंपल से बिना उसके, लहसुन भी कर दिया मैंने, होता है क्या मैं यहाँ से, हाँ लहसुन तो ऐसे ही डाल ले तल ले, ताकि थोड़ी आलू से क्या होता है गैस बन जाती है ना, तो ये लहसुन वगैरह डाल जाएगा सही रहेगा, तो हरी मिर्च भी डाल लेंगे हम। हाँ हरी मिर्च डालियो, चार हरी मिर्च डाल लेंगे है ना, वो तल भी जाती है रोटी के साथ सही भी लगती है। तो ये हमारा अभी डिनर टाइम है, डिनर करने लगे आलू और साथ में खाएंगे रोटी। ये क्या है? तेल,
रिफाइंड तेल। चल और रोन को घुमाने के लिए कब जाना है? रोन को तो वैसे अभी मैं थोड़ी देर में घुमाऊंगी, अभी नहीं घुमाऊंगी, अभी थोड़ी देर पहले घुमा दिया था ना हमने। अच्छा, अब मैं अभी हम बाद में जाएंगे घुमाने उसे तो। ओके, थोड़ा लेट। रोटी रोटी रोन ने तो, रोन को तो खिला दी है ना? रोन को तो मैंने रोटी रोटी सब खिला दी। ओके, बस मैं और डोली रह रहे हैं अभी, है ना? हम रह रहे हैं अभी बस, बाकी तो खाली सब ने रोटी रोटी अभी हम लोग खाएंगे, बस आलू बन जाए फिर खाएंगे। मतलब तन्नु भी रह रही है, हम सब रह रहे हैं। हम सब रह गए अभी। मम्मी को तो दाल से ही खिला दी थी। हाँ, यस भैया, तू दाल खा नहीं रही थी, फिर हम रह गए, चलो भाई आलू ही बना लेते हैं। या दाल वाले हम रोज रोज नहीं खाए जाते यार, रोज रोज तो रोटी भी नहीं खाई जाती, एक ही बार ही मन करता है, बस एक ही बार ही खा लो तो पैर के टाइम वही काफी रहता है, है ना? रोटी की छुट्टी आज आज खा लेते हैं, मतलब कल से रोटी बंद, कल से रोटी बंद। हाँ यार, मैं डाइट पे आ रही हूँ, रोटी रोटी बंद कर देनी है अपनी। मुझे भी आना है, मेरा ना बहुत दिन हो गया, मैं ना सोच ही रही हूँ कि डाइट पे अब आना पड़ेगा, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है यार ऐसे ना, बड़ी मुश्किल से पतली हुई थी थाईलैंड जाके, ये नहीं किया। नहीं यार, मेरे से ज्यादा तो फिट ही हो आप दीदी। प्लीज रहने देते हैं, फिर ज्यादा फिट नहीं हूँ, ठीक है? तू ज्यादा फिट है।